नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएनपी इंडिया पे। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शराब पीने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जहां शराब पीने और खरीदने की उम्र 25 साल थी, लेकिन अब वो घटकर 21 कर दी गई है। आपको बता दें, ये जो फैसला लिया गया है वो दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने लिया है। क्या है पूरा मार्जा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 कर दी है और सभी सरकारी दुकानें बंद करने के आदेश भी दिए हैं, और तो और छोटी जगहों पे दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीतियों में शराब माफियों पर करारी चोट है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और क्षेत्रों में माफिया राज को समाप्त किया और अब आबकारी क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आबकारी नीति की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा नेता ने कहा कि शराब बेचने के क्षेत्र में सरकारी दुकानों को खत्म करने से अब प्राइवेट दुकानदार अन्य राज्यों से सस्ती शराब बेचेंगे, जिससे लोगों को घटिया क्वालिटी की शराब पीने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दुकानों के माध्यम से नकली शराब बेचने की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु की तरह दिल्ली में भी शराब खरीदने की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, जबकि गोवा और आंध्र प्रदेश में 18 वर्ष की है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शराब वितरण को समान बनाया जाएगा। इसके लिए जहां शराब की दुकानें अधिक हैं, वहां से हटाकर उन्हें इलाकों में खोला जाएगा जहां शराब की दुकानें काफी कम हैं। आपको बता दें, दिल्ली में 272 वार्ड हैं, इनमें से 79 शराब की एक भी दुकान नहीं, वहां अवैध रूप से शराब बेची जाती है। शराब की दुकानों के असमान वितरण से दिल्ली में शराब माफिया का बोलबाला है। राजधानी में अवैध शराब की करीब 2000 से ज्यादा दुकानें हैं और शराब माफिया की वजह से अपराध भी ज्यादा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनपी इंडिया। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।